कि इनको किस तरह से इनको निकाल रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ वो गाय कहाँ पे फंसी हुई है। नमस्कार, मैं रंजीत चौहान, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज नेशन। हिंदुस्तान में, भारत में गाय को माता कहा जाता है, माँ जैसा सम्मान दिया जाता है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की कई सड़कों पर गाय की दुर्दशा बहुत ही खराब है। कई सड़कों पर गायें मर रही हैं, तालाबों में डूब रही हैं, कई गायों की हालत खराब है, बीमार है, लेकिन आज उनको देखने वाला कोई नहीं है। टीवी पर बैठकर डिबेट तो बहुत होती है, कई समाज सेवी बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन सड़क पर घूमती हुई गायों की दुर्दशा देखने वाला कोई नहीं है। आज हमारे रिपोर्टर अमर सिंह को एक ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ा जब उन्होंने देखा कि एक गाय तालाब में डूब रही थी और आसपास कोई बचाने वाला नहीं था। तो हमारे जवाज रिपोर्टर ने तुरंत ही 112 पर फोन किया और उसके बाद जो कुछ हुआ हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। आपसे अनुरोध करते हैं कि आज इस खबर को शेयर करिएगा। अगर आप गाय को माता मानते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। देखिए पहले ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अमर सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज ओशियन। आज हम मिल्कीपुर क्षेत्र के इनायत नगर तहसील में अंतर्गत तमसा नदी के समीप खुरदहा गांव के पास से निकल रहे थे। अचानक मेरी नजर एक तालाब में फंसी हुई गाय पर पड़ी। इसको निकालने के लिए हम लोग जब नीचे उतरे तो देखे कि ये बहुत ही हीन दशा में थी और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी बार बार, लेकिन निकल नहीं पा रही थी। हम लोग कोशिश किए लेकिन निकल नहीं पाई, इसलिए हम लोग 112 पे कॉल करके इनकी सहायता के लिए पूरी टीम को बुलाए हैं। अब हम लोग थोड़ी देर बाद उनका इंतजार करते हैं, थोड़ी देर बाद वो लोग आने वाले हैं, उसके बाद हम लोग आगे की अपडेट देते रहेंगे। आप इस सूचना को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आपने देखा हमारे रिपोर्टर अमर सिंह ने 112 फोन किया। 112 फोन करने के बाद क्या होता है उसको भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक गाय डूब रही होती है, मर रही होती है, लेकिन उस गाय के लिए जहां कोई नहीं आता वहां हमारा रिपोर्टर पहुंचता है और उस गाय को बचाने में अपनी 100% भूमिका को अदा करता है। देखिए ये वीडियो। मैं आपको दिखाता हूं वो गाय कहां पे फंसी हुई है। आप ये रास्ता देख रहे होंगे, बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्ता है। जिस तमसा नदी की हम बात कर रहे थे ये तमसा नदी है, आप देख रहे हैं। और ये वो ताल है जहां, ये वो तालाब है जहां पे गाय फंसी हुई है। हम आपको दिखाते हैं कि गाय कहां पर है। आपको दिखाई दे रही होगी ये गाय यहाँ पे फंसी हुई है, आप देख रहे हैं। इनको निकालने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, 112 टीम जल्द ही हम लोगों के बीच में पहुंचेगी। ये देखिए पीआरबी के जवान आ चुके हैं। ये हमारे सहयोगी नरेंद्र तिवारी जी हैं जो कि गाय को निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए गाय बुरी तरह से फंसी हुई है और हम लोग यहाँ पे लगभग 2 घंटे होने वाले हैं। 2 घंटे से हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं निकालने की, लेकिन निकल नहीं रही है। और आप देखिए ये यहाँ पे 112 नंबर की गाड़ी लगी हुई है। आगे की अपडेट हम आप लोग को देते रहेंगे। ये देखिए इनको किस तरह से इनको निकाल रहे हैं।
ये देखो हम लोग निकाल चुके हैं इसको, ऊपर ले जा रहे हैं। आपने देखा होगा एक के बाद एक कई वीडियो हमने आपको दिखाई। इन सारी वीडियो में देखने के बाद एक चीज पता चलता है कि कहीं ना कहीं लोगों में उदासीनता बहुत है, प्रशासन में उदासीनता बहुत है। आप अक्सर हाईवे पर गुजरते होंगे तो आप देखते होंगे कई गायों के एक्सीडेंट हो जाते हैं और उन्हें उठाने वाला कोई नहीं होता। वो बड़े बड़े सड़ जाती हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन ना कोई उनको उठाता है और ना कोई उनका इलाज कराता है। लेकिन गाय के नाम पर राजनीति बहुत होती है। मैं योगी सरकार से कहना चाहूँगा कि आपने प्रदेश में हर जगह तो गौशाला बहुत बनवाए हैं, लेकिन उन गौशालाओं में एक बार महीने में ऑडिट करना बहुत जरूरी है। ये देखना बहुत जरूरी है कि गौशालाओं में गायों की स्थिति कैसी है, और अगर गौशाला बनाई गई है तो सड़क पर मरती हुई गायें ये कौन है, तालाब में डूबती हुई गायें ये कौन है, ये कहां से आती हैं? ये रिपोर्ट शायद आपके लिए बहुत छोटी है, लेकिन इस रिपोर्ट के मायने बहुत मायने हैं। गाय को हम माँ का दर्जा देते हैं और हमारी माँ हमारी आंखों के सामने तड़पती रहती है, लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं होती है। लोग गाय के बगल से बाइक लेकर निकल जाते हैं, अपनी कार लेकर निकल जाते हैं, लेकिन उस गाय को कभी भी घूम कर नहीं देखते जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही होती है। और उसके बाद बैठते हैं एयर कंडीशन ऑफिस में, एयर कंडीशन रूम में, उसके बाद गाय पर कहते हैं कि गाय को मारा जा रहा है, गाय को कोई बचाता नहीं है, गाय की हत्या की जा रही है। गुनहगार तो वो हैं जो गाय को मरता हुआ भी देखते हैं, तड़पता हुआ भी देखते हैं, वो भी असली पाप के भागीदारी हैं। मेरा आपसे अनुरोध है इस रिपोर्ट पर आप अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में।